हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फिर से करने जा रहे हैं टू मेनी चैलेंजेस इन वन वीडियो। तो रेडी हो जाओ, और अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा नहीं देखा यार, तो लास्ट में इस सीरीज़ के पहले की वीडियो डाल दूंगा, वो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई हमारे पहले चैलेंज के साथ। तो हमारा पहला चैलेंज ये है कि स्पिन गो राउंड में हमें रिवर्स कैमरा करते हुए जाना है, और इस रास्ते में हमें किसी भी चीज़ से नहीं टकराना है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, वो भी स्पिन गो राउंड में। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार, कोने का रास्ता पकड़ लेते हैं पहले। लेकिन कोने में यार बॉल भी आएगी, तो लक के ऊपर है कि अब पड़ेगी कि नहीं भाई। और ये बॉल बगल में से निकली मेरे जस्ट, और हम चिपक के बिल्कुल आ गए हैं दीवार से। और आधे रास्ते तक तो मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई ये कोने से जाना बिल्कुल ही चिपक के जाना पड़ेगा। और ये पिंक रॉड काफ़ी लंबी है भाई, पड़नी नहीं चाहिए अपने में। अब यहाँ पे लेफ्ट जाता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से निकल जाते हैं यार। क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं, बस ये सवाल है यार। बस एक और ऑब्स्टिकल, और यहाँ पे निकल गया मैं, लेकिन यहाँ पे एक और अलग डाइव लग गई है जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, और मुझे लग रहा है कि मैं अब एलिमिनेट हो गया हूँ। लेकिन यार काफ़ी सही जा रहा था चैलेंज, बस लास्ट में क्वालिफाई हो जाते थे तो चैलेंज भी कम्प्लीट ही हो जाता पूरा। तो हमारा अगला चैलेंज ये है कि हमें जंगल रोल में सिर्फ ग्रीन साइड से क्वालिफाई करना है। तो भाई एक चीज़ तो है कि आगे तक ग्रीन जा नहीं सकते, तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट कर दिया है हमने, बिल्कुल ही कोने से गया हूँ मैं, और इसके कारण मैं काफ़ी पीछे आ गया हूँ। लेकिन अब हमें बीच में से जाना पड़ेगा कि वहाँ से हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पे बाकी आधा ग्रीन कर देंगे हम। और यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा लोग आगे चले गए भाई, ये तो मैंने सोचा नहीं था। लेकिन तब भी हम जल्दी जल्दी इनको कैच करेंगे, तो हो सकता है हम इनके बराबर तक आ जाएँ। और अब जाते हैं अपन लेफ्ट से, और ये वाले यार ग्रीन साइड से मैं आज तक गया नहीं हूँ शायद। तो हम यहाँ तक आ गए हैं, बस अब ग्रीन साइड से जाना पड़ेगा भाई। और ये मैं कूद गया हूँ, और यहाँ पर पता नहीं कहाँ गड्ढा था भाई, शायद गड्ढे से नीचे गिर गया हूँ मैं। और थोड़ी आगे से अब ट्राई किया है अपन ने, और बस क्वालिफाई करना है। अब पता नहीं कितने लोग आ गए हैं, लेकिन भाई 10 ही लोग हैं, जल्दी कर लेते हैं हम क्वालिफाई। पीछे से जाके पूरी ग्रीन साइड से क्वालिफाई कर लेते हैं भाई, और चैलेंज कम्प्लीट कर लिया हमने। तो हमारा अगला चैलेंज ये है कि हमें रॉकेट रंबल में बिना फ्लैग पे चढ़े क्वालिफाई करना है, मतलब जीतना है। तो बिना फ्लैग में चढ़े तो भाई हम पॉइंट कलेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ दूसरों को नीचे कर सकते हैं। तो यही कर सकते हैं अभी हम। तो भाई अभी देखता हूँ, यहाँ से दो लोग आ रहे हैं, और ये मैंने रॉकेट छोड़ा, लेकिन भाई मेरे पे रॉकेट, भाई ये मेरे टीम वाला ही है पक्का। मैंने आपको बोला ना भाई, मेरी टीम वाले मुझ में ही मारते हैं भाई, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे टीम वाले अपना गेम तो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा खेल रहा हूँ। और यहाँ पे एक नीचे गिर गया भाई बंदा बगल में से चलते चलते। अब राइट में जाते हैं थोड़े भाई, वैसे स्कोर वैसे जीत तो रहे हैं हम, लेकिन भाई एक और बंदा गिरा दिया मैंने। अभी पक्का नहीं है हम कितनी देर तक आगे रहेंगे, थोड़ी आगे जाना पड़ेगा। यहाँ तो हमने क्लियर कर दिया पूरा, और यहाँ पर दो येल्लो वाले लौंडे खड़े हैं भाई, मारते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नेट चला गया मेरा, और मैं कहाँ पे आ गया हूँ पता नहीं। और यहाँ पे तो यार बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, मुझे नीचे फेंक देंगे। थोड़ा हम इधर जाते हैं और यहाँ पे खाली करते हैं लोगों को। और किसने मारा भाई ये पीछे से, बुरा उचक गया मैं। और भाई यहाँ पे यार जगह ही नहीं मिल रही है अब, और सीधा नीचे गिर गया हूँ मैं पानी में। और स्टार्टिंग से अब स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा है भाई। ये सही है यार, तुम लोग को दिख ही नहीं रहा है क्या, यहाँ पर ब्लू ब्लू हो रहा है पूरा। और 8-2 से जीत रहे हम लोग, जो कि काफ़ी सही है। बस अब हमें यही होल्ड करके रखना है भाई। यहाँ पे एक बंदा आ रहा है मेरे पीछे, दौड़ के आ रहा है, इसको पकड़ के नीचे मैं फेंकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन भाई क्या रॉकेट मारा है, मज़ा आ गया, उड़ के गिरा है भाई ये सीधा नीचे। और यहाँ पे मेरे ही टीममेट ने शायद मुझे मारा, पता नहीं किसने मारा भाई। लेकिन भाई यार क्या, आधा गेम तो यहीं ख़त्म हो जाता है, ये लोग ही पेल लेते हैं पकड़ के। तो बस 22 सेकेंड और होल्ड करना है, लेकिन अब मेरे टीम वाले ही मुझे होल्ड नहीं करने दे रहे भाई, आप देख सकते हो ये लोग भाई मुझे खेलने नहीं देंगे। और यहाँ पे स्कोर ड्रॉ हो गया, और 10 सेकेंड बचे, और अब धीरे धीरे कम होने लगते हैं भाई हमारे पॉइंट, क्योंकि ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे भाई। कितना मारूँ मैं इन लोगों को बताओ, आप बताओ, ये देखो मैं ही मार रहा हूँ, मैं ही पिट रहा हूँ भाई, टीम वाले भी मार रहे हैं, सामने वाले भी मार रहे हैं, और एलिमिनेट भी हो गए भाई। तो हमारा अगला चैलेंज ये है कि हमें हर राउंड के बीच में से जाना है। तो ये हम पूरे 3 राउंड करके देखते हैं भाई, और देखते हैं कैसा खेल रहे हैं हम। तो हम सिर्फ बीच में से जाएंगे, कोने में से नहीं जा सकते, सिर्फ जहाँ पे जाना होगा वहीं से जाएंगे। और यहाँ पे पहले ही मैंने ख़राब किया, और यहाँ पे बॉल को बिल्कुल डॉज किया है भाई सुपर फास्ट मोशन में। अब आगे जाते हैं भाई थोड़ा, और बीच में से निकलते हैं,
और ये कैनन इधर ही देख रहा है मेरी तरफ इतने बुरी नज़रों से भाई। और बीच में से यहाँ से तो चले जाएंगे भाई, बीच का जहाँ पे ऑप्शन हो वहाँ से ज़रूर जाएंगे हम लोग। और यहाँ पे बॉल निकल गई है, अब हम भी जल्दी निकलते हैं और मैं सबसे पहले क्वालिफाई कर जाऊँगा क्या, ये देखो भाई। और यहाँ पे सेकेंड राउंड आ गया यार, फ्लोर फ्लिप, मतलब बीच में से क्वालिफाई करना है तो तुमने लेफ्ट राइट ही दे दिया। अब यार क्या करें, अब हमें यहाँ से तो बीच में से जाना पड़ेगा, लेकिन तो इसको नीचे हो जाने दो पहले। अब जाते हैं भाई आगे, लेकिन एक साइड तो पकड़नी पड़ेगी, लेकिन इसमें से भी हम थोड़ी सी बीच में से ही जाएंगे ताकि चैलेंज को हम ब्रेक नहीं करें, और जितना हो सकता है भाई उतना तो करेंगे हम चैलेंज को। अब आगे से जाते हैं और ये लाल डब्बे से जाना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में से जाएंगे अब हम, कोने से नहीं जाएंगे। देखते जाओ बस आप, यहाँ से अब मैं ट्रिक करने वाला था लेकिन नहीं हुई, अब करता हूँ भाई, लेकिन बीच में से जाऊँगा भाई। देखो ये ट्रिक आपने देखी है क्या कभी, ये देखो भाई। और ये मुक्का यार गलती से पड़ गया भाई, मैं नीचे नहीं गिरूँ इसलिए मार रहा था तो मैं पड़ गया गलती से। अब आगे जाते हैं और ज़्यादा लोग है नहीं आगे यार, बहुत सही बात है यार। अब जल्दी जाके क्वालिफाई करते हैं भाई, देखो बीच में से जाते हैं पूरा और क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाते हैं और यहाँ पे इन लोगों ने हनी ड्रॉप दे दिया भाई, मतलब ऐसे ऐसे राउंड ले रहे जिसमें बीच में से जा ही नहीं सकते। लेकिन भाई ट्राई करते हैं, इसमें भी हम बीच में ही रहेंगे यार, लेकिन ये लोग खाली कर देंगे, उसके बाद क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। तो अभी के लिए तो मैं बीच में रहता हूँ भाई और बीच का होल्ड करके देखते हैं थोड़ा। और ये ख़त्म होते जा रहा है भाई धीरे धीरे, तो अब इस चैलेंज को भूल के हमें जीतने पे ध्यान देना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि ये तो खाली हो गया पूरा। तो चलिए यार जीतने पे ध्यान देते हैं, अब चैलेंज को हटाओ साइड में और जीतते हैं अब। और बीच में यार नीचे का देखो पूरा खाली कर दिया, बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ, ये भी गिरने वाला है, ये गिर गया भाई। अब यहाँ पर हो रहा है दंगल, तो हमें भी दौड़ लगानी पड़ेगी। और ये नीचे गिर गया, मैं सबसे पहले नीचे आया हूँ मैं, और अब गाड़ी चालू करनी पड़ेगी भाई, रुको अब हमें रुकना नहीं है भाई, अब बीच का पूरा खाली करना पड़ेगा ताकि ये लोग का गेम डिफिकल्ट हो। भाई यहाँ क्यों रोक रहा है भाई, ये बच गया मैं अभी, इसने लाल टाइल बना के वहीं खड़ा हो गया था और मैं अटक गया था उसके साथ। अब मैं ये खाली करके यहाँ कूद जाता हूँ ताकि मुझे थोड़ी टाइल मिले बाद में, वरना ये लोग तो वो भी खाली कर देंगे। अब बंदे यार दो ही बच्चे और ये रहे दोनों सामने, इनके पास टाइल है नहीं, लेकिन एक येलो टाइल पे लोग आ सकते हैं भाई, ये जाना पड़ेगा मुझे खाली करने के लिए। लेकिन भाई बच गए हम लोग, ये लोग नीचे गिर गए हैं और इसी के साथ हम जीत गए हैं भाई हनी ड्रॉप। तो हमारा अगला चैलेंज ये है भाई कि भाई हमें स्टंबल पास देंगे अगर हम तीनों राउंड बिना ऑब्स्टिकल से टच करके चले गए तो। तो ये तो मुझे मालूम है स्टंबल पास तो कोई देने वाला नहीं, लेकिन तब भी चैलेंज कर लेते हैं। तो भाई ऑब्स्टिकल से नहीं टकराना है ना, बस इतना ही करना है ठीक है, और जीतना भी है क्या पता नहीं भाई, लेकिन ऑब्स्टिकल से तो नहीं टकराएंगे हम, ये तो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिवट पुश में आ गए हैं हमारे सामने तीन बड़े बड़े हथौड़े, और अब बिल्कुल देख देख के हमें इसके बगल में से निकलना पड़ेगा। और निकल गया हूँ मैं, बस ये हैमर और दो निकल जाऊँ मैं। पिछली बार हमने ये चैलेंज किया था तो नहीं निकल पाए, लेकिन इस बार ज़रूर निकल गया हूँ भाई मैं। और अब सेकेंड राउंड में देखते हैं क्या आता है। और सेकेंड राउंड में यार टाइल फॉल आ गया था, तो उसमें तो वैसे भी कोई ऑब्स्टिकल रहता नहीं है, इसलिए मैं सीधा थर्ड राउंड दिखा रहा हूँ आपको सुपर स्लाइड। और इसमें तो आपको श्योर होगा कि मैं टकराऊंगा लास्ट में पिंक वाले ऑब्स्टिकल से, भाई मुझे भी श्योर है क्योंकि हर बार हम टकरा ही जाते हैं उसमें कैसे ना कैसे। तो चलिए पहले यहाँ तो ट्रिक करते हैं और देखते हैं कि हम यही नहीं टकरा जाए। और यहाँ पहली ट्रिक होती हुई सक्सेसफुल, दूसरी ट्रिक कैसे ना कैसे जुगाड़ करके कर ली हमने, बस वो फाइनल फेज बचा है जहाँ पर हमें टकराना नहीं है भाई। तो चलिए ट्राई करते हैं यार, इस बार थोड़ा अलग करने की कोशिश करूँगा मैं, यहाँ से नहीं इस बार कोने से जाते हैं भाई। अरे ये निकल गया, और पंखे से भी निकल गए भाई, और हमने जीत भी गए भाई, चैलेंज भी जीत गए हम। तो भाई लाओ भाई स्टंबल पास लाओ अब तो तुम, इसके बाद मुझे ज़रूर आप 800 जेम ट्रांसफ़र कर दो भाई, क्योंकि चैलेंज कम्प्लीट कर दिया हमने। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने अपने चैलेंजेस कमेंट कर दो बढ़िया से। और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब ही नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो लाल बटन को दबा के। और इस सीरीज़ का पिछला पार्ट देखना हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वो आप देख सकते हो उस पर क्लिक करके।